कि आज विश्व के सामने दो ही विकल्प हैं, युद्ध को चुने या बुद्ध को चुने। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, शक्ति के होते हुए जब मन शांत होता है, उसी मनुष्य को शांत प्रिय कहते हैं। शक्ति को नष्ट हो जाने से कौन मनुष्य शांत नहीं हो जाता है। कि अगर अपनी उंगली से मैं तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं, तो आप चंद्रमा को देखें, मेरी उंगली को ना देखें। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर आकाश से भी बारिश हो रही हो, तो भी लोभी पुरुष को कभी प्राप्त नहीं कराया जा सकता। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते, उसी प्रकार मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे वो क्रोध में हो या लाभ में या लोभ में हो, वो सही सही मार्ग को नहीं देख सकता। हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार इस देश के अंदर बौद्ध धर्म को कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को फैलने से नहीं रोक सकती। जितना मुश्किल है एक कुएं को उठाकर पानी पीना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है एक बौद्ध को गुलाम बनाना। दिल्ली बार एसोसिएशन या हमारे ऑनरेबल जज साहब ने जो हमें बुद्ध जयंती के लिए जगह उपलब्ध की है, और हमारे जो जज साहब यहाँ पर आए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे साथियों, जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो बहुत ज्यादा पवित्र है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध का जो धर्म है वो इस देश के अंदर बड़ी मजबूती और बड़ी तेजी से फैल रहा है। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार इस देश के अंदर बौद्ध धर्म को कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को फैलने से नहीं रोक सकती है। जितना मुश्किल है एक कुएं को उठाकर पानी पीना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है एक बौद्ध को गुलाम बनाना। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट ने एक बार कहा था कि अगर कोई आपके गाल पर चांटा मारे, तो आप अपने दूसरे गाल को उसकी तरफ कर दें। तो उनके एक शिष्य ने पूछा कि हमें गाल कितनी बार करना है, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा 77 बार करना, 77 बार। लेकिन जो ये बात हम लाओस से जो चीन के फिलोसफर है उनसे कहते हैं कि हमने अपना गाल क्या, हमें दूसरा गाल उनकी तरफ करना है, तो लाओस से चीन के फिलोसफर कहते हैं अगर आप अपना गाल दूसरी तरफ करते हो तो ये फैसला आप लेते हो कि दूसरे गाल पर चांटा लगवाना है। लेकिन जब ये बात हम फ्रेडरिक नीचे जो जर्मन के फिलोसफर है जो हिटलर के गुरु से कहते हैं कि अगर कोई आपके गाल पर चांटा मारता है तो आप किसी के गाल पर चांटा न मारे, क्योंकि तो आप भी एक तंत्र चांटा उसके गाल पर मारे, क्योंकि ताकि उसको पता पड़ जाए जिसके गाल पर चांटा मारा है वह भी एक इंसान है। लेकिन जब ये बात हम तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपके गाल पर कोई चांटा मारता है और चांटे के मानने से दुख होता है, तो आप किसी के गाल पर चांटा न मारे, क्योंकि चांटे के मानने से दुख होता है। अगर कोई आपको गाली देता है तो आप किसी को गाली ना दें, क्योंकि गाली के देने से दुख होता है। बुद्ध के धर्म का अगर हम सार बहुत छोटे शब्दों में कहें तो वो ये है कि सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को वश में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। दूसरा बुद्ध का एक वचन जापान के एक मंदिर पर लिखा है कि अगर अपनी उंगली से मैं तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं, तो आप चंद्रमा को देखें, मेरी उंगली को ना देखें। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर आकाश से भी बारिश हो रही हो, तो भी लोभी पुरुष को कभी प्राप्त नहीं कराया जा सकता। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते, उसी प्रकार मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे वो क्रोध में हो या लाभ में या लोभ में हो, वो सही सही मार्ग को नहीं देख सकता। इसलिए बुद्ध की जो शिक्षा है वो मानवता की शिक्षा है, और आज संसार में बुद्ध की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देखेंगे मेरे भाइयों कि आज विश्व के सामने दो ही विकल्प हैं, युद्ध को चुने या बुद्ध को चुने। लेकिन बुद्ध कहते हैं
कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, शक्ति के होते हुए जब मनुष्य शांत होता है उसी मनुष्य को शांत प्रिय कहते हैं। शक्ति को नष्ट हो जाने से कौन मनुष्य शांत नहीं हो जाता है। और बुद्ध धर्म में विज्ञानवाद की बात मैं बता दूं कि बुद्ध का धर्म न तो आत्मा को मानता है, न ईश्वर को मानता है, न पुनर्जन्म को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नर्क को मानता है। आप ये देख रहे, बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बात मैं कहता हूं तो आप उस बात को जब तक न माने जब तक आप उसे प्रीतर और बुद्धि की कसौटी पर पूरा पूरा न उतार ले। इसलिए दुनिया में बुद्ध का पहला धर्म है जो कहता है कि मेरी बात भी आप मत मानो। लेकिन भगवान बुद्ध के ग्रंथ में जो बाबा साहब ने इस संसार में दो क्रांतिकारी पुस्तकें लिखी है, पहली पुस्तक भारत का संविधान है और दूसरी पुस्तक जो है वो बुद्धायनी धम्मा है, जो पूरे वर्ल्ड में चीन में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया, कंपोजिया में पढ़ी जाती है। इसलिए जो बुद्धायनी धम्मा पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई नव करुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को प्रकाश देता है। बुद्ध के दर्शन के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुद्ध की फिलॉसफी ये है, बुद्ध का जो ज्ञान है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो एक इन्फ्रेंस है और एक डायरेक्ट है कि जो आप प्रत्यक्ष डायरेक्ट आंखों से देखते हो सोर्स ऑफ नॉलेज है। दूसरा उनका अनुमान के आधार पर ज्ञान का है, अनुमान के आधार पर है कि अगर कहीं आग है, अगर कहीं धुआं है तो वहां आग भी है। इसी बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि विज्ञानवाद कहां है, जो आज से 300 साल पहले हेराक्लिटस नाम का जो वैज्ञानिक थे जो यूनान के, उन्होंने कहा था कि ए मैन कैन नॉट टेक द बाइथ इन द सेम रिवर ट्वाइस, एक मनुष्य एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकता। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि एक मनुष्य एक वस्तु को दो बार नहीं देख सकता है, जो वस्तु को एक बार देखता है उसमें प्रतिदिन परिवर्तन होता है और देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड कि जिसमें कोई चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो। इसलिए ईश्वर भी इससे बचा हुआ नहीं है, आत्मा भी इससे बचा नहीं है। तो धर्मों की फिलॉसफी में धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वो धर्म होते हैं जो एक धर्म होते हैं जो आत्मा और ईश्वर को मानते हैं, आस्तिकवादी होते हैं, दूसरे धर्म होते हैं जो विज्ञानवादी होते हैं। इसलिए आप इस धर्म के अंदर आप ये देखेंगे कि ये धर्म क्यों जरूरी है। ये धर्म वैज्ञानिक आधार पर है, विज्ञानता को है, और जो जो आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत का विश्व का जो भविष्य का धर्म होगा वो बुद्ध का धर्म होगा। इसलिए इस धर्म पर चलना मानवता की सेवा करना है। और संसार के अंदर चार धर्म है जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। पहला धर्म जीसस क्राइस्ट का, जिन्होंने अपने आप को भगवान का बेटा कहा। दूसरा मोहम्मद साहब का है, जिन्होंने कहा दी आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड। और तीसरा कृष्ण का है हिंदू धर्म में, जिसको उन्होंने कहा कि मैं देवा दी देवा हूं, आई एम द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा आई एम ए मैन और मेरा धर्म मनुष्य के लिए, मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कोई बात आपके लॉजिक और रीजन पर, तर्क और बुद्धि की कसौटी पर ना उतरे तो इस बात को आप बिल्कुल हृदय से माने। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्धं शरणं गच्छामि है, धम्मं शरणं गच्छामि है, इन तीनों बातों को आधुनिक भाषा में कहा कि बुद्ध का मतलब शिक्षित बनो, संचित बनो और संघर्ष करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है वो ज्यादातर बुद्ध की शिक्षाओं से ही किया गया है कि अगर एक हाथ से आप पुण्य करते हो तो दूसरे से आपको पुण्य मिलेगा। तीसरा कारण यह है कि अगर एक आप पाप करते हो तो तुरंत आपको उसका सजा मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे यह है कि पाणातिपाता वेलमणि शिक्षा पदम समाधानि, मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा और ना हत्या करने के लिए किसी को प्रेरित करूंगा। अगर किसी का आप मर्डर करते हो तो तुरंत आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। अगर आप चोरी करते हो अजन्यदाना बेलमणि से क्या पसंद समाता भी, या शराब की तस्करी या पीने के लिए करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुद्ध धर्म का आपसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध जितनी तरफ से होता है। मेरे साथियों आप प्रचार करिए, लोगों को सुधारिए और आप बिल्कुल भी कितनी अड़चन आ जाए बुद्ध के इस दुनिया के सिद्धांत को याद रखिए, मेरा धर्म एक बेड़ी की तरह इन नदी को पार करने के लिए सिर पर वजन के ढोने के लिए नहीं है।
और इसी बीच में अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद